देखिए, नीतीश जी कहीं बुलाने से नहीं जाते हैं। नीतीश जी को जाने का मन होता है, जहां सुविधाजनक देखते हैं वहां चल जाते हैं। वैसे मेरे यहां अमित शाह जी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। 40 को कि 43 को MLA आप प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा उम्मीदवार, ये तो बहुत अनर्थ किया है सब इंडिया वाला। मिले उलेंगे नहीं, यहीं से ढेला फेंकेंगे। मिलेंगे तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ये एक फाटक का है। नीतीश कुमार से नीचे के आदमी से हम लोग नहीं मिलते। हाँ, तो नीतीश जी तो जिसको सूली पर चढ़ाना रहता है पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, शहीद करेंगे ललन सिंह जी को, पहले जॉर्ज फर्नांडिस को शहीद किए, जया जेठली को शहीद किए, शरद यादव को शहीद किए, फिर RCP को शहीद किए, अब ललन सिंह को डोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुशासन की सरकार ने दावा किया है कि सब कुछ सही है, हालांकि आपराधिक घटनाओं में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में शासन प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, आम जनता जो है वह सेफ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं BJP के वरिष्ठ नेता, सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। आप कैसे देख रहे हैं इसको? हर दिन क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, सरकार जो कह रही है कि सुशासन की सरकार है, फिर भी आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? जो सरकार अपराधियों के द्वारा संचालित हो, जो सरकार में अपराधियों का ही वर्चस्व हो, अपराधियों के द्वारा ही सरकार निर्मित हो, तो उससे उम्मीद क्या करते हैं? अगर आपने वृक्ष लगाया है कटहल का, आम फरेगा उसमें? तो जब ये सरकार स्पॉन्सर है, अपराधियों की ही सरकार है, तो अपराधी तो खुला विचरण कर रहा है। जो जिंदा है वही लोग जिंदा हैं जिसको कोई अपराधी मारना नहीं चाहता है, वरना जिसको जो चाहता है मार देता है, जिसको जो जहां चाहता है लूट लेता है, बैंक लूटना चाहता है बैंक लूट लेता है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है आप लोगों को भी। आप लोग भी क्योंकि अब दरोगा, सिपाही, नेता कोई भी नहीं अब बच पा रहे हैं, तो आम जनता फिर क्या है? वही कह रहे हैं कि नेता तो अपना घर में लुकियो जा रहा है, पत्रकार सबको भी थोड़ा बच के रहना चाहिए, कुछ कुछ बोलते रहता है पत्रकार। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप ही लोग हम लोगों को डरा रहे हैं ना? डरा नहीं रहे हैं, वो तो नीतीश जी की जिम्मेदारी है, नीतीश जी ना देंगे। लेकिन अभी सरकार शायद आप भी भूल रहे हैं, अभी विपक्ष में हैं, आपकी भी कम ताकत नहीं, आपका भी कम पावर नहीं है, इसीलिए रोके हुए हैं, नहीं तो और करता, बहुत अतहता कर देता। वहाँ मनिए के डर से रोक लिया कि तुम लोग घूम भी रही हो, अपराधियों का इतना वर्चस्व बढ़ गया है। पत्रकार की बात तो बात की है, पहले आम जनता को आप पहले एक नज़र देख लीजिए। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार इन दिनों BJP का ज़्यादा गुणगान कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन गए थे माल्यार्पण करने, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन तक महागठबंधन में टिक पाएंगे। तो क्या आप नीतीश कुमार को अपने खेमे में बुला रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे आप? देखिए, नीतीश जी कहीं बुलाने से नहीं जाते हैं। नीतीश जी को जाने का मन होता है, जहां सुविधाजनक देखते हैं वहां चल जाते हैं। वैसे मेरे यहां अमित शाह जी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, और नीतीश जी क्या करते हैं क्या कहते हैं वह हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग 2024 और 25 के चुनाव देखते हैं। जनमानस इनके खिलाफ है, नीतीश जी के खिलाफ है, लालू जी के खिलाफ है, ये जन विरोधी शासन के खिलाफ है। तो हम लोग एक सीट जो लास्ट टाइम छूट गया था 39 को हुआ था, इसमें 40 में 40 हम लोग ले लेना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को के लिए भी कम चुनौती नहीं है बिहार में? पहले आप जिस तरह से आसानी से सीटों को आपने जीत लिया, इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी सेम परिस्थिति बिहार में है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ आप अकेले हैं और क्षेत्रीय पार्टी आपके साथ है, जीतनराम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है बिहार में। नहीं, वरना कहीं गलती हो रही है, हम अकेला नहीं हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता मेरे साथ है और हम उसके साथ हैं, इसलिए 40 सीट की बात करते हैं। ये कोई परिवारों की पार्टी नहीं है, ये कोई माँ बहन बेटा बेटी भाई के चलाने और बनाने की सुविधा भगवाने की पार्टी नहीं है, ये कोई व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं,
इस संगठन की पार्टी है, गरीबों वंचितों की पार्टी है और विचारों की पार्टी है। तो जब विचार बढ़ते हैं तो उसके पताका फैलते हैं। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का जो ये जो खबरें थी अब और भी ज़्यादा तेज हो गया है। कई सरकार जो है फैसले लेने वाले, आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, क्या लगता है अब नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए अविलंब? एकदम मिलेगा। असल में मुख्यमंत्री जी का जो तबीयत खराब चल रहा है ना, उसका भी प्रभाव है। बहुत तबीयत खराब है। एक तो ठंडा के दिन है, उम्र ज़्यादा हो जाना, तो अभी तबीयत खराब है। अगर आज भी तबीयत ठीक रहेगा तो जब भी उनका तबीयत ठीक रहेगा वो कर देंगे। तो वो तबीयत ठीक ही है ना, क्योंकि अब वो तो कह रहे थे जो चीज़ें थी, क्योंकि उनको इंडिया गठबंधन में नहीं कुछ बनाया गया, तो कई लोग कह रहे थे कि शायद उससे वो नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन अब उनकी नाराज़गी दूर हो चुकी है, जैसा कि उन्होंने मीडिया में आकर के उन्होंने जिस तरह से बयान को दिया। इंडिया गठबंधन वाला तो बदमाशी किया है, जिसको 40 को 42 को MLA रहेगा उसको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं बनाएगा, ये तो बदमाशी है ना है। अरे 40 को कि 43 को MLA है, आप प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा उम्मीदवार, ये तो बहुत अनर्थ किया है सब इंडिया वाला। तो क्या आप उन वो ये घाव पे मरहम का इस्तेमाल मतलब आप लोग काम करेंगे? उनका घाव होल है क्या? जैसे आप ही ना कह रहे हैं कि उनको वहाँ से नहीं कुछ ये दिया गया, तो शायद आप उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, तो शायद आप वो उनपे कुछ भरने का घाव अच्छा, का अच्छा किसी का पीड़ा समझ लेंगे तो हम डॉक्टर हैं कि आप ऑपरेशन करने लगे? हम तो कह रहे हैं कि उनको ब्याबरू किया, बेइज्जत किया, सो बात मैं कह रहा हूँ। अगर वो एक कहावत भी है ना कि अगर कोई बंदा शाम को घर आ जाए तो उसको भूला भूला नहीं कहते हैं ना, ठीक है वो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के साथ बढ़िया नहीं किया। एक अंतिम सवाल है कि आप लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहे हैं, शिक्षकों के हित की लड़ाई सदन से हो चाहे सड़क पर हो आप लड़ते रहे हैं, इन दिनों जो BPSC की जो रिजल्ट निकाली आई है उससे कई शिक्षक नाराज हैं, कट ऑफ को लेकर के भी संशय बना हुआ है, तो क्या इस विषय में आप कोई ठोस कदम उठाएंगे? कहने का अर्थ है कि क्या आप शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक से मिलेंगे या फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे? नहीं, यहीं से ढेला फेंकेंगे, मिलेंगे तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ठक्का है, नीतीश कुमार से नीचे के आदमी से हम लोग नहीं मिलते हैं। मिलेंगे, बात करेंगे, जो अनर्थ किया है उसके खिलाफ हर हाल में, जो ये जो इसका कारण है और जो कर रहा है यही नहीं समझ रहा है, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। खबरें चल रही है कि ललन सिंह जो है इस्तीफे की खबर अब तेज हो गई है बिहार में, कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ हाँ, तो नीतीश जी तो जिसको सूली पर चढ़ाना रहता है पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, शहीद करेंगे ललन सिंह जी को, पहले जॉर्ज फर्नांडिस को शहीद किए, जया जेठली को शहीद किए, शरद यादव को शहीद किए, फिर RCP को शहीद किए, अब ललन सिंह को सही। इस साल में डिसीजन नीतीश कुमार लेंगे, राजनीतिक करवट बदलेंगे, तो क्या BJP में वो शामिल हो रहे हैं? BJP में ये कहाँ से छोटा मोटा न्यूज ले आती हैं आप लोग, BJP चुनाव की तैयारी में है। तो आप भले नहीं बोल रहे हो लेकिन अंदरूनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। अब नीतीश कुमार की हैसियत खिचड़ी भर रह गया है, भादा रहता तो कुछ समझते भी, मतलब आप लोग भी मैडम मिटा दिए खिचड़ी, खिचड़ी का मतलब आप बूझती हैं, खिचड़िया हो गया बट मतलब ख़त्म हो गया, नीतीश कुमार ख़त्म हो गया उसको मिलाने की बात करती हैं। देखिए नवल किशोर यादव भले ही बातों बातों में घुमा करके जवाब देने में लगे हुए हों, लेकिन केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं केंद्र स्तर के, उन लोगों से बातचीत चल रही है जदयू की। अब इसी बीच में खबर यह भी आ रही है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस्तीफा दे सकते हैं, और यही नहीं KK पाठक हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनसे मिलेंगे, BJP के नेता मिलेंगे, और तमाम चीज़ों पर जो BPSC के हाल के दिनों में जो रिजल्ट आया है इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो है उन चीज़ों से भी रूबरू कराएंगे। हालांकि नीतीश कुमार का BJP में शामिल होने वाली खबर कितनी पक्की है जल्द ही आप लोग को बता दिया जाएगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।